स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ ए टू जेड फुल सॉल्यूशन क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हिंदी का है एंड इससे के अलावा आपके जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं तो सारे टेस्ट पेपर्स जो हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका हिंदी का टेस्ट पेपर है, तो इसको देखेंगे एंड इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो दिए गए हैं एंड आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको फुल सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा कि इसके एग्ज़ाम में नंबर जोड़ने हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखिएगा और सही सही लिखिएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सबको समझाने वाली हूँ कि कैसे करना है और कब क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सारे टेस्ट पेपर। तो ये है आपका हिंदी का टेस्ट पेपर, तो एक बार आप इसको मिलाइएगा। और ये जो हिंदी का टेस्ट पेपर है ये आप लोगों के लिए 20 नंबर का, मतलब सारे पेपर्स आपके 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर है हालदान ने पान वाले से क्या पूछा था या चंद व अर्थ का शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैं और यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट का ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट, ये आपको चैप्टर फर्स्ट में से ही आया। तो मैंने सॉल्यूशन सारे तैयार कर लिए हैं, तो वीडियो में बनी रहिएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉल्यूशन कैसे मिले और बिल्कुल 100% सही सॉल्यूशन हैं। तो देखिए हिंदी का जो सॉल्यूशन है, आप सभी को पता है कि अलग अलग कॉपीज़ बनानी है आपको और तभी आप उनको कर पाएंगे, है ना। तो उनमें जब आप करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर जो बिल्कुल चेक की हुई कॉपी जिसमें 20 में से 20 अंक मिले होंगे वो कॉपी मैं आपको दिखाऊंगी और उसी में से आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो वो कॉपी मैं कब दिखाऊंगी ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये हिंदी का हमारा कंप्लीट हो गया, अब ये आपके सारे क्वेश्चन हैं ना। अब हिंदी के बाद देखते हैं मैथ का एंड इसके बाद सभी देखेंगे, ठीक है। तो ये अब आपका मैथ का, यहाँ पे देखिए मैथ सब्जेक्ट वालों का, तो सब सब्जेक्ट तो आपका मैथ ही रहेगा क्योंकि आप लोग क्लास टेंथ में हैं तो सारे सब्जेक्ट हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका लिया गया है, एक आपका उदाहरण है उससे एंड ये शर्त जो है पर डे, मतलब जो आप मैंने पढ़ाया है एक बार इसको पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने देखा हो वीडियो अथवा ना देखा हो उसमें मैंने समझाया था कि एक नंबर में आता है तो आ भी गया, ठीक है। इसके बाद और भी हैं आगे, इनको देख लेते हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे तो ये सारे आप लोग देख लीजिए और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी वो सॉल्यूशन जिनमें 20 में से 20 मार्क्स मिले हुए हैं और चेक की गई कॉपी, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट अगर आप करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं करना चाहते वेट तो आप कर सकते हो, आपसे अगर आप पर जितना बनता है या फिर अगर आप श्योर है 100% सही है तो आप वो भी कर सकते हो। अब मैं बताऊंगी आपको इसके बाद आगे। ये रहा आपका जो संस्कृत का है, तो संस्कृत में भी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला है कि मैं आपको कॉपी जो रजिस्टर्स हैं उन्हीं को दिखाने वाली हूँ, तो उनमें से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो वो रजिस्टर्स जो हैं आपको कल मिल जाएगा इसका वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल पूरा लिख सकते हो। थोड़ी टाइम के लिए रुक जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहें तो अदर जगह से भी कर सकती हैं या फिर आपके पास खुद से अवेलेबल है तो कर सकती हैं, बट अगर आप चेक किया हुआ एक टीचर द्वारा चेक है और उसमें 20 में से 20 नंबर हैं तो शायद उसमें आपको थोड़ा सही मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका संस्कृत का, संस्कृत का तो नॉर्मली है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, है ना। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें तो ऑब्जेक्टिव ही हैं सारे, है ना। तो ये हो गया आपके कंप्लीट। अब इनका जो आंसर्स है वो भी मैं आपको दूंगी आंसर शीट। और उसके बाद देख सोशल साइंस देखती हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में भी आप क्या कर सकते हो, लोह और रक्त की नीति वगैरह जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, आपको एक टॉपर्स का कॉपी बता दी जाएगी, चेकिंग होगी उसकी, ठीक है, फुल सही होगा उसमें, एक बार मैं भी चेक करूँगी, फिर आप कर लीजिएगा उससे कम्प्लीट एंड 100% सही होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट रहे कि ये गलत है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अभी इसी वक्त, ठीक है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट मैं आपको इसके बाद वीडियो देने वाली हूँ, ठीक है। वो कॉपी चेक रहेगी, आपको 2 से 3 दिन में ये जमा करने जाना है, बट यहाँ पर मैंने अभी चेक किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी चेक हो गई हैं, तो उसमें से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 6 सब्जेक्ट हैं आपके, तो 6 रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं, तो 6 कॉपियाँ आपको मैं बताऊंगी एंड आप उसमें से कर सकते हो और 20 में से 20 नंबर ही होंगे उसमें, आप लोग देख लीजिएगा एंड चेक भी होगी, तो आप लोग समझ सकते हो कि आपको बिल्कुल 100% सही मिलेगा। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और हैं आपके, तो उनको भी देखेंगे। और इसके लिए आप तो बस इतना कीजिए कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मैं जब वीडियो डालूंगी तो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो 20 में से 20 मार्क्स के लिए थोड़ा टाइम के लिए वेट करिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने तो
बस कर लिया और बाद में चेक करवाया, कुछ ना कुछ आपकी मिस्टेक हो जाएगी, फिर इसका प्रॉफिट जो है आपको नहीं मिल पाएगा। भले ही आप घर से दे रहे हैं बट जो आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम है उसमें भी अगर आपका एक मार्क्स भी कम होता है तो आप अगर जिस कॉम्पिटिटर के साथ में कर रहे हो कॉम्पिटिशन तो उसका एक ज़्यादा और एक आपका एक कम आगे जाके प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, मैं आपको कॉपी दूंगी तो आप उसमें से पूरा का पूरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।